भाई ये देख रहे हो ना, अभी तक जितनी भी बॉर्डर क्रॉसिंग थी इतनी रौतर नहीं थी। ये सबसे रौतर बॉर्डर क्रॉसिंग है। इवन जब मैं पिछले साल लद्दाख आया था, ये उससे भी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। भाई सबसे पहले जाने वाले हैं भाई अंकुश भाई, तैयार हो? सबसे पहले और सबसे आखिरी। अगर मैं गिर गया फिर कोई नहीं जाएगा। आखिरी तो नहीं, चाहे भाई गिर भी जाए तब भी सब जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कोई भी ना गिरे। और ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन जाना पड़ेगा। जरूर जरूर, चलो चलते हैं। चलो चलो, लाओ आग लगा देंगे यार। हो जाएगा भाई का। ओ भाई इनकी भी गई, गई गई पूरी गई। हो भाई 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 भाई, राम 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 राम, गो 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 गो, टेंशन नॉट गो। हाँ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पैर रखना चालू रख गया मेरा। और ये बर्फ का पानी, ओहो गाड़ी बंद होगी, ओहो पार नहीं हो रही, सबके वजह से पार नहीं हो रही। अरे एक तो वजन बहुत है ना, बस चलेगा। बंद हो गई गाड़ी, फिर बंद हो गई, तीसरी बार बंद हो गई गाड़ी। गाड़ी बंद हो गई। दोस्तों क्या हाल है, आई होप सब बड़े होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त मस्त मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। रात को मस्त मैगी खा के सो गए थे भाई, पर सुबह सुबह हम उठे फटाफट, भाई ने बड़ी तारीफ की थी, पास में खाना मिलेगा, सब खा के चले गए। हम हो गए लेट, 8:30 बज चुके हैं भाई। और यहाँ अपना भाई तैयार हो चुका है भाई, असामिस्ट भाई दिगांटा। अहे अहे अहे, आजकल मैं थोड़ा ज्यादा डांस करने लग गया हूं, उसके लिए पहले डांस कर दिया। ओ भाई उधर हमारे भाई साइकिल से परेशान है, क्या हो गया भाई? अरे इसकी ब्रेकें भी टाइट करनी पड़ेगी ना, आगे वो पास आने वाला है। कौन सा पास आने वाला है? पास नहीं बोल, ढलान आने वाली है। अच्छा अच्छा, मेरे को बास आने वाला, मैं बोलूं कौन सी बास? ब्रेक का जरूरी है ना। ओहो दोनों भाई, सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। पर मैं एक बात सच बता दूं, मेरे अलावा सिर्फ एक भाई नहाने गया है, बाकी दोनों भाई नहीं नहाए हैं। अगर आप नहाओगे तो उसके बाद ज्यादा मिट्टी लगती है, इसलिए टिकलू भाई ने सोचा है कि नहाना ही नहीं है, है ना भाई? नहाना ही नहीं है, काम ही खत्म। बहुत ज्यादा, पर पास में ना क्रेशर है, क्रेशर पे गया था मैं रात को, वहीं बैटरी का लगा के आया था। और सुबह गया था वहीं पे जाके नहा धो के आराम से आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर में जाके बैटरी आप लेके आएंगे, उससे पहले नाश्ता करने चलते हैं, ऊपर एक छोटा सा ढाबा है वहाँ जाएंगे। क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? कल रात को ना सोनमर्ग से बाइक चलाते हुए आया हूँ मैं। अच्छा, मैं निकला था वहाँ से 4 बजे के आसपास, लेट निकला था आराम से, और गाड़ी के सारे अंजर पंजर हिल गए। ये जो मोबाइल होल्डर है ना, ये बहुत हिल रहा था, कल ऑफ रोडिंग करी थी बहुत ज्यादा। अच्छा। अभी इसे खोल के सही तरीके से टाइट कर दूंगा ताकि रास्ते में दिक्कत ना आए। हाँ। वैसे एक बात है यार, धनो ने साथ बहुत दिया मेरा, वो तो मानने पड़ेगा भाई, सही है। अभी इसने पूरा लद्दाख भी करना है, मतलब बड़े बड़े पासेस पार करेगी। वाह, पिछले साल भी करा था पर। सो भाई अच्छे से टाइट हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगी। अभी सामान वामान सारा पैक करते हैं। कल रात को मैं बाइक चलाते हुए आया हूँ ना, तो सारे तरफ डस्टी डस्टी, और स्पीड में चलता हुआ आया बिना रुके धुके, तो सारे बैग्स मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। अब इन्हें कहीं पे रुक के ना धोना पड़ेगा। अब देखते हैं कहीं आगे एक बढ़िया सी जगह मिली ना, तो वहाँ रुक के धोएंगे ना आराम से। तो गाइस ये रहा अपना बैग, और मतलब ये स्पेस खाली था भाई का बाइक का, तो इसमें मेरा बैग आ गया, इसमें आगे वाला, और ये सीट भाई बैठ के आराम से। वाह, धनो सारा सामान ले लेती है आराम से। टिकले काम कर, साइकिल ऐसे उड़ा, सही पीछे मैंने नई बात सुनी है भाई, देवांता भाई साइकिल मतलब पैडल पैर से नहीं चलाते हैं,
वो साइड में खड़े होते हैं और धक्का मार के लेके जाते हैं, ऐसे कुछ ना? नहीं, जो आप होता है ना खाड़ी चौड़ाई होता है, उसमें मैं थेल थेल के लेके जाता हूँ पैदल। ऐसा क्यों भाई? मेरे को थोड़ा सा आगे के लिए भी सोचना है ना। अच्छा अच्छा, आगे मतलब फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। अच्छा अच्छा, फ्यूचर का सोच रहा है। हाँ। भाई वैसे आपकी शादी की उम्र निकल गई, 30 साल पूरे हो गए। नहीं अभी मेरा तो उम्र ज्यादा नहीं हुआ ना, 20+। 20+29+ नहीं है, 30+। ये बैग को बांधने रस्सी कम पड़ गई। मैं ये एक है ना, ये रस्सी से अच्छा से बांधता हूँ। हाँ तू बांध। ये रस्सी लेके आया, क्या लेके आया भाई? कपड़े बांधने वाली रस्सी जो घर में तारों से बांधते हैं। इससे भी इतने दिन वो चल रहा है, लेकिन सही है ये तो इधर बांध देता हूँ इसको। हाँ ठीक है। हाँ अरे बाप रे, मेरा बांध खतरनाक होता है। मेरा बांध, इसकी भाषा भी खतरनाक होती है। इसका बांध खतरनाक होता है, इसका बांधना खतरनाक नहीं होता, इसका बांध। भाई सब पहले तो भाई मैकेनिक थे, अब ये अरबी शेख हो चुके हैं भाई। अली बीबी, एक मिनट खोलो 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 तो सही, फिर तो सही लगोगे बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल लग रहे ना शेख, एक बार ऐसे कर दो हल अल अभी ये। सो भाई सब निकल चुके हैं और मैं रह गया हूँ पीछे, सामान वामान लोड कर रहा था। और भाई ये सामने आपको बर्फ दिख रही है ना, ये सिर्फ बर्फ देखने के लिए है। गर्मी लग रही है खतरनाक वाली, बहुत ही खतरनाक वाली। सामान वामान सारा लोड कर दिया, निकलते हैं ऊपर की तरफ। सब इंतजार कर रहे होंगे, ऊपर एक चाय वाली शॉप है वहां पर। ओहो ले तो आया मैं रात में अंधेरे में, पता नहीं कैसे अब लेके जाने में हालत खराब होने वाली है। ओहो मिट्टी बहुत है यहाँ पे, खतरनाक ज्यादा वाली। भाइयों के पास पहुंचा नहीं हूँ, भाइयों के पास पहुंचा नहीं हूँ, लुटारे पहले पहुंच चुके हमारे पास। क्या क्या लूट रहे हो भाई? क्या मैंने को, ये मेरा है ये तो। अच्छा ये आपका है, रखे हो तो बाद में काम आएंगे। अच्छा अच्छा, बाद में क्या मतलब? मेरे पास छोड़ गए थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे रे रे पहुंच गया मैं लुटेरों के पास। धीमे धीमे खाली होता जाऊंगा। वैसे भाइयों को बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता ही है, टेंशन नहीं है। पर ये चश्मा नहीं देने वाला हूँ, एक ही ब्लैक चश्मा है भाई। और दूसरा दे दूंगा। आए हाय अरबी शेख। सो यहाँ आ चुकी है अपनी चाय। ओहो वैसे चाय तो सिर्फ मैं ही अकेला पीता हूँ, बाकी तो कोई नहीं पीता ना। नहीं टिकलू नहीं पिएगा, आप पी लो। टिकलू नहीं पिएगा, आप पी लो। भाई दो दो नहीं, चार चार पांच पांच कप। मुझे ये नहीं समझ में आता इतनी गर्मी में कौन पीता है ये। कीचो ये, कीचो 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 ये। उसको नहीं चाहिए, वो शर्मा रही है, उसके लिए भी फाड़ लो। एक और चाहिए? एक नहीं बस एक ही बहुत है ना, एक और। चलो ठीक है, बाय बाय। भाई पराठा तो काफी टेस्टी है, पर ये मैदे वाला लग रहा है, आटे वाला नहीं है, है ना भाजी? शुक्र कर ये मिल गया, आगे भी नहीं मिलेगा। फाइन आटा वाला, फाइन आटा है। अच्छा ये सफेद होता होगा, रिफाइन रिफाइन आटा, ज्यादा रिफाइन हो गया, ये वाइट हो गया, उसके बाद सफेदी पे आ गई। तो यहाँ पराठे, ये भाई दोनों दो दो पराठे खा चुके हैं, वो भाई पराठे नहीं खा रहे हैं, क्यों भाई? मिले नहीं रहा है मुझे, जैसे यहाँ डालता है गायब गायब। भाई एक काम करो, अपने मुंह में एक लेवाला डालने के बाद ना एक बार दिखाना था कि मुंह में भी हूँ, एक बार कुछ सोचो यार। ये पापड़ कितना अलग हो गया भाई पराठा। अरे मस्त है। सो भाई दन्नों पे आ चुके हैं, भाई गरम हो चुकी बिल्कुल सीट, गरम बहुत गरम। ओहो थोड़ी देर बाद ये पानी भी गरम होने वाला है, मुझे पक्का पता है।
सारे दोस्त निकल चुके हैं, सबसे लेट मैं निकल रहा हूँ पर सबसे आगे पहुँच जाऊँगा आराम से, क्योंकि बाकी लोग साइकिल पे है ना, तो आराम से क्रॉस कर लेता हूँ मैं, दिक्कत ही नहीं आती। ओहो यहाँ सारे पत्थर के पहाड़ हैं, तो पत्थर के पहाड़ की वजह से ना सारी मिट्टी विट्टी उड़ती रहती है। भाई पूरी कच्ची रोड है, गंदी वाली, स्लिप बहुत हो रहे हैं इस पे। रात में इसी रोड पे चल के आया, मुझे पता नहीं चला पर अभी फील हो रहा है, क्योंकि ग्रिपिंग नहीं बन रही और ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे ब्रेक, तो हाल बहुत माड़े ने। जहाँ जितनी गर्मी लग रही ना उतना ही ठंडा पानी नीचे साइड में बह रहा है, पूरा ग्लेशियर से उतर के आता तो ठंडा ही रहता है बिल्कुल वो, पर मिट्टी बहुत होती है उस पानी के अंदर, उस पानी को आप पी नहीं सकते, गंदी वाली। प्लस आपको बता दूं ये ऊपर दिख रहे होंगे पहाड़ खुले खुले से, इनके अंदर पत्थर निकल कर आ जाते हैं, अगर बारिश होती है ना तो बहुत स्पीड में आते हैं, और ये साइड में भी कर दिए, मतलब ये पत्थर पहाड़ से निकल कर आएंगे। लैंडस्लाइडिंग बड़ी खतरनाक होती है यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ काट के रोड बनी है ना, तो पहाड़ से पत्थर आना ही आना है भाई। लद्दाख के अंदर बस यही एक रोड बची है जहाँ पर अभी एडवेंचर बचा है, नहीं तो बाकी ज़्यादातर सारी रोडें ना बना दी है आर्मी ने, क्योंकि उनके यूज़ में भी आती ना वो रोडें, इसलिए उन्होंने सारी रोडें लगभग बना दी हैं। पंजाब से आए हैं, खुश होते हैं यूपी की बाइक देख के यहाँ पे चल रही है करके, और उसके ऊपर 125 सीसी की डिस्कवर, तो और ही खुश हो जाते हैं, इतनी हल्की बाइक कैसे ले आए, वो भी संस्कार जैसी रोडों पे। बड़े कम घर होते हैं यहाँ पे जंस्कर वाली रोड पे, तो बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पे रोड ही ख़राब है बहुत, तो लोग ही नहीं रहते हैं ज़्यादातर, कोई आना भी पसंद नहीं करता। अभी तो थोड़ी बहुत रोड बन गई है, पेट्रोल पम्प भी खुल गए हैं, आज से 2 साल पहले ना यहाँ पेट्रोल पम्प भी नहीं मिलते थे बिल्कुल भी। तो वी आर ट्रैवलिंग लाइक एवरीवेयर इन लद्दाख एंड इन इवन इन POK आई वेंट टू द बॉर्डर साइड वेयर पाकिस्तान बॉर्डर इज लाइक POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। Yeah. Are you guys vloggers? Yeah, we both are vloggers and two more, yeah, they are on bicycles. Oh, I saw them on Yeah. Okay. Yeah. Okay. Where are you from? Tamil Nadu. वो साइकिल वाला कितना पीछे है? Very long. How many kilometers? 2 kilometers, 3. No, longer. Yeah. चले नहीं मतलब वो चले ही नहीं मेरे भाई, मैंने उन्हें धक्का मार के निकाला, चल मेरे पर आ चल। 10 kilometers at least. 10 kilometers. Where are you from? तूतुकुड़ी तमिलनाडु। सो तमिलनाडु से भाई मिले हैं। एक बात तो है यार, तमिलनाडु के जो लोग होते हैं ना बड़े एक्साइटिंग टाइप के होते हैं, एडवेंचर बहुत पसंद होता है ने। अकेले उठ जाते हैं, केरला तमिलनाडु अकेले निकल के ले आते हैं। भाई भी लेके आया बुलेट, दिस इज योर ओन? ओहो भाई बाइक के साथ थोड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि भाई लेके आ चुका है जंस्कार में बाइक, और जंस्कार में ना ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होता है, तो थोड़ा परेशान हो रहा है ना, हिंदी थोड़ा खराब है थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, You will meet them. लेकिन भाई ने सारा सिस्टम सही सेट कर रखा है, बैग्स वैग्स पीछे भाई कैरियर पे टैंक, ये मेरे ख्याल से 7,000-8,000 तक का मिल जाता है, ये महंगा है। हाँ कितना लीटर का है? I think 20 लीटर सही है फिर। How much did you get this? 14,000 In Pune only, I got clutch and gear shop. Waterproof है ना ये? Yeah. हाँ yeah. It's good. You can take, आप remove भी कर सकते हो से, you can take it out? Yeah. I'm on a 45-day trip. 45? 5 days yeah. trip. Yeah, good. I finished all the west coast. Yeah. And then Kashmir also. Kashmir. Now Ladakh, 8 days in Ladakh. Wow. Himachal Pradesh, wow. Uttarakhand, Agra, then home. Oh, you going to my home. आप मेरे घर जा रहे हो, आगरा जाओगे तो मेरा घर है वो। Okay. दिल खुश हो जाता है अपने घर का नाम सुन के। और उत्तर प्रदेश की तो बात ही अलग है। यही हमारे भाई को देख के ना सारे बच्चे डर गए, उधर अंदर भाग गए भाई, ये कुछ अलग ही हो गया भाई, डर गए, दे आर स्केर्ड ऑफ यू एकदम से। वो समटाइम्स बाइकर्स कम ना, दैट्स व्हाई स्ट्रेंजर्स से। बट इफ यू गिव देम चॉकलेट दे विल लाइक हैव फन विद यू। लॉट्स ऑफ किड्स वर गिविंग हाई फाइव्स एंड एवरीथिंग। या सो वो देखो बच्चे वहां से घबराए हुए हैं। आ जाओ, ये कुछ नहीं बोलेंगे।
भाई यार इस भाई के बारे में जान के ना मुझे हैरानी होती है लगातार, क्योंकि भाई से मैंने पूछा भाई आप इतनी सारी जगह के बारे में मुझसे नॉलेज दे रहे हो, आप क्या घूमते हो कुछ कमाते हो? मेरे को लगा शायद YouTube से कमाते होंगे या किसी से कमाते होंगे। भाई ने बोला मैं तो कुछ भी नहीं कमाता। कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? 19। 19 साल में मैं कहीं नहीं घूमा था भाई, इतना छोटा। वाह वाह, यू आर एक्सप्लोरिंग मोर देन अस, सीरियसली। अच्छा लगा आपको जान के। सो भाई यही मुझे हो गए 1.5 साल घूमते घूमते, पर मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया जैसा भाई कर रहा है। भाई ने मुझे बताया कि ये भाई पूरी आइटनरीज बना के चल रहा है भाई, एग्जैक्ट डेट टाइमिंग सब कुछ लिखा हुआ है, इवन किलोमीटर्स लिखा हुआ है कितने से कितने किलोमीटर हो जाएंगे नेक्स्ट डे पे। भाई दिस इज नेक्स्ट लेवल भाई, भाई ऐसा ट्रैवल नहीं किया भाई। काफ़ी चीज़ें जानने के लिए मिल रही है, सीखने के लिए मिल रही है। वैसे तो ट्रैवल का काम ही यही है, सीखने के लिए मिलता है बहुत ट्रैवल में। थैंक यू सो मच भाई, मैं नेक्स्ट टाइम कभी ट्रैवल करूँगा 90 डेज के लिए तो ऐसी आइटनरी बना के घूमा करूँगा मैं भी, है कि नहीं भाई? सही है भाई। इस पे टाइम लिखा है, ये भी लिखा है कि कब पहुंचना है, कब वहां से निकलना है, सब कुछ। हम तो जिंदगी को मतलब एक तरीके से मजे लेके जी रहे हैं, मतलब टेंशन ही नहीं है कब किधर से निकलना है, कहीं से कहीं भी पहुंच जाएगा, टेंशन ही नहीं कोई, है कि नहीं भाई? हाँ हम पूरे भगवान के भरोसे है। टाइम आ चुका भाई को, बाय बाय फिर मिलेंगे, मैंने अपना नंबर दे दिया भाई को। सो भाई अपनी बाइकें खड़ी हुई वहाँ पर और भाई लोग भी आ गए थे, तो भाइयों ने बोला कि भाई मुझे चाय पीनी है, तो यहाँ आ चुके हैं बर्तन। हमारा टाइम ही है। अच्छा हमने आज कम से कम 10 किलोमीटर निकाल लिया ना। अच्छा अच्छा ठीक है, उसमें एक टॉप क्रॉस कर लिया। अच्छा उसके बाद हम 10 किलोमीटर के बीच में भी टॉप किधर था? अरे वो जिगजैग वाला, अरे साइकिल के टायर पकड़ रहा था रेत, बड़ी अच्छा। मुश्किल से निकल के आए हैं। ओहो टिगलू भाई तो बड़ी मुश्किल से पैदल पैदल आया। ओए हाय रोज हम ऐसी जगह रुकते हैं, रोज क्या और टॉप कौन सा भाई? हमारे लिए टॉप है, तुम तो बाइक पे हो, हमें पता कैसे निकल गया। अच्छा अच्छा हम हमारे लिए नहीं, हम भी मजा लेंगे ना वहाँ पे। जंस्कार तो मैंने ऐसे पार किया था देखो, यू वैसे एक बात तो है, ये भाइयों के साथ ट्रैवल करने में मजा बहुत आता है, पता है क्यों? ये सिर्फ खाते पीते और आराम करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं। क्यों भाई? खाते पीते और आराम करते हैं, ट्रैवल नहीं करते ना। ट्रैवल हमारे जैसा ट्रैवल कोई कर नहीं सकता, खाते पीते आराम। ऐसा ट्रैवल इस टाइम कोई कर रहा भाई? गांव में खूबसूरत जगह, ओहो हम डेली रुकना, चाय पीना, तभी इनके साथ रहते समय सबसे मजा आता है भाई। हमें पता था तेरा मन नहीं लग रहा था इसी वजह से हम ये नजारे ले गए, मैं अकेला फंस गया उधर। ओहो नहीं भाई देखो जिंदगी में ना थोड़ी बहुत स्ट्रगल करना चाहिए ताकि कुछ अलग एक्सप्लोर हो। ये स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल है। तो मैं इतने दिन से क्या कर रहा था? मजे ले भाई, वो गंदा वाला स्ट्रगल था, सब स्ट्रगल है, मजे यहाँ मजे आ रहे हैं, मजे लाइव जी जा रही है यहाँ पे। तो सामने है टिकलू भाई, सो रहे हैं आराम से, और यहाँ अपने भाई बैठे हुए हैं। ओहो ये भी सो रहे हैं अभी भी? ओ अला बिबे वाला वाला, खतरनाक वाली गर्मी है भाई, और उसमें भी भाई को चाय पीनी है ना, गर्मी में चाय का लेके। ओहो यहाँ तो ठंड लगती है, यहाँ तो भाई ने इलायची भी ले आया रास्ते में से, इलायची डाल के पिएंगे चाय। चलो अभी ये भगवाना धो के ले आते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो ना यहाँ पे, एक चीज बता दूं, लेकिन पानी के अंदर हाथ डालो ना बिल्कुल बर्फ जैसा हो रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। पेड़ के नीचे सर्दी? हाँ आराम मिल जाता, मौसम ठंडा, प्लस यहाँ का जो व्यू है ना वो एक नंबर है। सो भाई ये पानी देख रहा आप, गंदा लग रहा होगा पर टेंशन मत लो, 2 बार धुलना है इसने, एक बार तो इस वाले पानी से, एक बार साफ वाले पानी से, ये वाले पानी से चंबल है ना तो अच्छी तरीके साफ हो जाएगा, और ये बर्फ वाला पानी है बिल्कुल। अब अच्छा वाला पानी ले लेते हैं, पीछे हैंडपम्प, हैंडपम्प से यहाँ लगा दिया अपने बर्तन। ओले कहीं फुट नीचे चला गया लगता पानी। यहाँ आ गया साफ पानी, फिर यहाँ से पानी भर के ले जाएंगे, बस बहुत है पानी। सो भाई का बाग है, भाई के बाग में बैठे, भाई से परमिशन लेके, भाई चाय पी के जाना, चाय पीते हो? नहीं क्यों? आप नमक वाली चाय पीते हो ना, नमक वाली पियोगे? ये भाई शर्मीला लगता है। कोई बात नहीं, आज दी वीडियो। आ जाओ दिगांता भाई, चाय बन गया, आ जाओ। ओहो सुनाई देती है जिसकी धड़कन, ओ बस बने रहो, अरे ढक्कन खराब हो जाए। चाय ले लो,
कुछ चाय, होता है। चाय 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 सबसे पहले हमारे जमीन के मालिक को दी जाएगी। ये लीजिए भाई। अरे मैं दे रहा हूँ ना भाई को। अच्छा हाँ भाई को दो भाई। चाय पी, जम्मू वाली फेमस चाय है। ओ, 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 ओ। जे बनाई बंदे ने आगरा से है। बंदा ओबराय होटल में लगा। ओबराय होटल में क्या करता था भाई? मैं शेफ था, चाय बनाता था और कहते हैं बाथरूम भी साफ करता था, जाड़ू और झाड़ू भी मारता था। यार ओए राज की बात मत बताओ यार, चल अद्धोगी सारे राज खोल देंगे। सो भाई यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है एक नई जगह पे ट्रिप पे जाने के लिए, पर अभी मैं आपको बता नहीं सकता हम कहाँ जाएंगे, वो बाद में बताऊंगा। पर एक बात बताऊँ, मैंने भाई को बुलाया, वहां सो रहा था। भाई ने मुझसे पता क्या पूछा? कि क्या पूछा भाई बताना? भाई कह रहा है पैसा मिलेगा तभी आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैंने बोला भाई पैसा मिलेगा आ जाते, टेंशन मतलब मैं तुझे ज्ञान बताता हूँ, ज्ञान वाली बात। जल्दी आ, अभी मैं बात करता हूँ, फिर आपको बात बताऊंगा हम क्या प्लान कर रहे हैं। सो सारे भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जंस्कार के एरिया में खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि खाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे खाना नहीं मिलता है। चलते हैं ढूंढते हैं खाना। भाई बड़ी देर बाद एक शहर आया है, छोटा सा गांव ही कह सकते हैं आप, कस्बा टाइप। यहाँ तक दुकान तो नहीं मिली हमें, आई दुकान है भी नहीं है। खाने की दुकान कितना दूर होगी? खाने की दुकान कितना दूर होगी? कितना दूर होगी? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना? अच्छा अच्छा अच्छा। इस वक्त यहाँ पर सारे तरफ जियो का नेटवर्क है संस्कार में। कोई भी भाई मेरा आ रहा हो तो जियो का नेटवर्क लेकर आना, और एयरटेल यहाँ नहीं चल रहा है। वैसे कई जगहों पे एयरटेल अच्छा चलता है, कोशिश करना दोनों नेटवर्क अपने पास रखो, एयरटेल और जियो। अब मैं काफ़ी दूर तक चल चुका हूँ और मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक। फाइनली एक होटल मिल गया भाई। सो मैं अभी मुँह धोने आया था बाहर, और यहाँ ना सारा पानी ऐसे ही होता है ब्राउन, मिट्टी मिक्स खतरनाक। अभी मुंह धो लेते हैं भाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जब आप इससे मुंह धोगे ना तो खारिश होती है बहुत ज्यादा खतरनाक वाली। सो हमारा पहला पहलवान आया और आते कह रहा हर्षदीप भाई तुम किधर हो? सामने ही खड़ा हूँ, चश्मा उतारने बाद दिख रहा भाई को। सो यार गाड़ी चलाते चलाते मैं ज्यादा चली गई। ओहो भाई हंस पड़े देख के, ये कैसे लोग है? क्या, क्या हम उल्ट गुल्ट लोग है। क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ राजमा चावल मिल रहे हैं, राजमा चावल मैंने बोल दिया है। भाई मैंने खाना वाना खा लिया बढ़िया तरीके से, राजमा चावल। एक चीज बताओ आपको, मतलब यही मिल जाए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ ना मुझे हरी मिर्च मिल गई फ्राई करके, जैसी मुझे पसंद है, और प्याज भी मिल गया था। थैंक यू सो मच भाई जी। वैसे भाई जी के पास ऐसे कोई खाने नहीं आता होगा, हरी मिर्च खाता है कोई इतनी? पूरे किचन में थोड़ी सी हरी मिर्च थी, सारी खा ली मैंने। आप पहली इंसान आया हो यहाँ पे जिसने इतना हरी मिर्च खाया। नहीं खाते है, नहीं खाता है, एक दो बार खाता है, कम खाता ना यहाँ पे लोग। सो भाई सबको बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, और भाइयों ने मुझे इनवाइट किया है, नेक्स्ट टाइम जब आप वापस लौट के जाओगे तब हमारे घर पे स्टे करना, पक्का स्टे करेगा। चलो बाय बाय। ओ भाई यहाँ पर ना सारे तरफ वाटर क्रॉसिंग खतरनाक वाली, बस एक ही डर लगता है बस यहाँ से, जब वाटर क्रॉसिंग में डालते हैं ना गड्ढा वड्ढा हुआ ना तो पैर नीचे रखना पड़ता है, और फिर जूते के अंदर बर्फ वाला पानी भर जाता है और फिर हो जाती है असली टेंशन। पर कोई दिक्कत नहीं है, धन हो इन सब चीज़ों के लिए, फर्स्ट क्लास दौड़ते हो जाती है। ओए होए 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 होए, ये हो गई पार। ओए होए 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 होए, जंस्कार। कोई दिक्कत नहीं आती हमें राइड करने, हम तो राइडर्स हैं ना इसलिए। वाओ वैसे तो ये पूरा ही रास्ता पथरीली है, पर यहाँ पे छोटे छोटे झरने की वजह से खूबसूरत हो जाते हैं ये जगह। सो भाई यहाँ पर ऊपर से ग्लेशियर नीचे आ गया, तो ये सारा आपको मलबा दिख रहा होगा ये उसी का है, और अपना जो मोटोकॉप का ऊपर का सामान था ना वो सारा खराब हो चुका है। तो अभी मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ, उसके बाद शायद काम बन जाए। सो बड़ी देर दिमाग लगाने के बाद एक काम बन गया है भाई, मैंने स्टिक को उल्टा लगा दिया। बेसिकली ये नीचे होती है और ऊपर कैप लगती है, पर कैप लग नहीं पा रही थी तो मैंने इसे उल्टा कर दिया, नीचे की जगह ऊपर लगा दी, और अब ये टाइट हो जाएगा आराम से, और अपना भी शूट हो जाएगा आराम से क्रॉसिंग का। बहुत टफ सी क्रॉसिंग है क्योंकि अभी ग्लेशियर फटा है, जो कल रात में पुलिस वाले ग्लेशियर बता रहे थे वो ग्लेशियर ये भी नहीं है, वो तो अभी और आगे है। सोचो वो ग्लेशियर तक नहीं पहुंचा और उससे पहले ये हाल है, खतरनाक भाई।
ओहो बर्फ जैसा पानी भाई। ओहो हो हो, अरे यहाँ तो पैर ही नहीं रखा जा रहा, बर्फ जैसा पानी है। लिख लूँ क्या? हाँ निंजा टेक्निक अपना ली मैंने। ओहो वैसे मुझे कोई डर नहीं लगता ऐसी वाटर क्रॉसिंग से, आदत हो चुकी है, बहुत बार निकाली है इसलिए। ओहो ये तो कीचड़ ले लगा के चले गए मैं पैरों को, पूरे गंदे हो गए मेरे पैर। ओहो ओ फंस गई, गिरी, जूते गीले हो गए भाई, ये हो गई दिक्कत। अय हाय, ओ यहाँ तो ग्लेशियर है और काफ़ी नीचे तक चले जा रही गाड़ी। ओए क्या कर रहे हो? सामने से कार और आ गई है भाई, अब कैसे निकालेंगे? फंस गए भाई। अरे भाई गाड़ी फंस गई अपनी। अरे भाई ओहो हो हो, सब निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। गाड़ी फंस गई थी पीछे, टायर फंस गया था, रुक गया था ना मैं इसी चक्कर में। यहाँ मलबा ज़्यादा है, ओहो हो स्लिप होने के चांसेस बहुत है। इनको थैंक यू बोलने का वर्क तो बनता ही है। थैंक यू भाई की वजह से हम रोड क्रॉस कर पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ मलबा बहुत था, क्रॉस ही नहीं कर सकते थे। और मैं आपको बता दूँ इस वक्त मतलब मेरे पैर पूरे जम चुके हैं, जम चुका है ना पूरा, क्योंकि ग्लेशियर से पानी आता बहुत ठंडा होता भाई। और इधर भाई जीतू भाई का भी पैर ऐसे ही हो चुका है। जीतू भाई पैर का हाल क्या है? भीग चुके हैं बस, सूख जाएंगे आगे कैंपिंग करेंगे मजे से। आहा बाकी ऐसा एडवेंचर मजेदार, परवाह नहीं टूटे लाल दी, परवाह नहीं टेंशन नहीं टूटे लाल दी। ओए होए अब मैं नंगे पैर ही चला रहा हूँ भाई बाइक, ठंड लग रही है हल्की हल्की, पर अभी पता नहीं है आगे कितने वाटर क्रॉसिंग्स हैं। वाटर क्रॉसिंग में क्रॉस करते हुए ना पैर पूरे गीले हो जाते हैं, और अगर जूता पहन रखा हो तो जूता गीला हो जाएगा और उसके बाद आप जूता नहीं पहन पाओगे और उसकी वजह से और ठंड लगेगी आपको। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से पानी ना निकल रहा हो, ये कोई रूट नहीं है झरने का, लेकिन यहाँ से ही पानी निकल रहा है भाई, खतरनाक हाल है। हाँ सारी वहाँ तभी तो अलग रास्ते से पानी निकल रहा है, अब सारी जगह से पानी आ जा रहा है। ये गड्ढा और खतरनाक लग रहा है देख के, सब खड़े हुए अपने अपने कैमरेज लेके। हम ऐसे रूट पे आ चुके हैं जहाँ पे कहीं पे भी रुकने की जगह नहीं है इस वक्त। अरे बाप रे, ये तो पूरी नदी आ गई है यहाँ पे। भाई अभी तक जितनी भी क्रॉसिंग थी उससे बहुत हल्की थी, पर ये पूरी नदी आ गई है ऊपर से, खतरनाक हाल है भाई, बहुत ही खतरनाक। बहुत टफ हो गया भाई ये तो। सो भाई ये देख रहे हो ना, अभी तक जितनी भी वाटर क्रॉसिंग थी इतनी रौतर नहीं थी, ये सबसे रौतर वाटर क्रॉसिंग है। इवन जब मैं पिछले साल लद्दाख आया था ये उससे भी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक भाई। सबसे पहले जाने वाले हैं भाई अंकुश भाई, तैयार हो? सबसे पहले और सबसे आखिरी, अगर मैं गिर गया फिर कोई नहीं जाएगा। आखिरी तो नहीं, चाहे भाई गिर भी जाए तब भी सब जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कोई भी ना गिरे। और ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है लेकिन जाना पड़ेगा। जरूर जरूर, चलो चलते हैं, चलो चलो लाओ आग लगा देंगे आज। ओहो भाई बर्फ वाला पानी है पूरा, आहा चुभ रहा है बिल्कुल पैर के अंदर, ये देखो खतरनाक। आय हाय 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 हाय, मर गए। ओहो गाड़ी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पैर पूरा जम चुके हैं मेरे, खतरनाक हाल हो चुका है। भाई ये देखो, हो भाई, राम 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 राम, गो 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 गो।
टेंशन नॉट गो, हाँ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ। डर लग रहा भाई को। सुनो, बर्फ का पानी है। गई 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 गई, जाओ जाओ जाओ, गो गो ब्रो गो गो, ये हो गई पार। पानी है बहुत ठंडा, बहुत ठंडा है भाई, पैर सुन हो गए मेरे पूरे, खतरनाक हाल है, बहुत बुरा हाल। हाँ पूरा ऊपर से, इसीलिए थोड़ा ठंडा है, बहुत ठंडा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ठंडा है। हम तो डर के मारे गए ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया किया है। हम यहाँ बैठा है, अभी जगह पानी कम हो जाएगा तो आप निकलेगा, पानी कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा रात तक। हम उसी के चक्कर में बैठा है इधर, कल तक खड़े रहोगे इंशाल्लाह। अरे बाप रे, वाहेगुरु साथ देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पैर रखना चालू रखो गया मेरा। और ये बर्फ का पानी, ओहो गाड़ी बंद होगी, ओहो पार नहीं हो रही, पानी स्लिप के वजह से पार नहीं हो रही। अरे एक तो वजन बहुत है ना, इसके वजह से दिक्कत आ रही है क्रॉस करने में। बस चला जा, बंद हो गई गाड़ी, फिर से गाड़ी बंद हो जा रही है, पैर सुन हो गए मेरे पूरे। ओ भाई ये तो खस गई, ओ फिर बंद हो गई, तीसरी बार बंद हो गई गाड़ी। गाड़ी बंद हो गई, हो गई होगी, चालू हो गई। खतरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग है सारी। ओ भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी था, मुझे लगता है मेरे सारे बैग गीले हो गए होंगे पीछे से। ओ भाई गुरु बहुत टफ था ये। ओहो हो भाई एक दिक्कत हो चुकी है, जो अपना स्लीपिंग बैग है ना ये नीचे से गीला हो चुका है, और इवन जो अपने कपड़े पहनने वाला बैग है उस साइड में रखा था वो भी नीचे से गीला हो चुका है। चक्कर क्या है, मेरी बाइक की ज़्यादा हाइट नहीं है तो दिक्कत आती है, सामान भी ज़्यादा लोड हो चुका है तो नीचे भी बैठ जाती है, और ये जो बीच में जो पोर्शन है ना वो खतरनाक पानी वाला है। अभी थोड़ा सही लग रहा है, वाटर क्रॉसिंग पार कर ली है, नहीं तो जब बीच में रुक गई थी तो मुझे लग रहा था शायद गाड़ी पार ही ना हो, इतना ज़्यादा पानी था, हाल बिगड़ गया था पूरा। भाई जब तक इंतज़ार कर लेते हैं भाइयों का आने का, और फिर वो भी क्रॉस हो जाए उसके बाद ही निकलेंगे आगे, हो सकता है बाय चांस उन्हें कोई दिक्कत आए तो हम खड़े होंगे तो हेल्प हो जाएगी उन्हें भी। भाई सारे भाई आ चुके हैं, निकलते हैं भाई। नहीं लगता अब लद्दाख में इससे छुटकारा मिल पाएगा, एक से बढ़ के एक वाटर क्रॉसिंग मिलती जा रही है भाई, ये भी नदी बनी हुई है। ओए ओ साइकिल वाला बड़ी इजीली निकलता यार, लाइट वेट होती है ना साइकिल, इसलिए मैंने जल्दी निकाली, इस बार ठंडा होता है, हैवी टायर हैवी वेट होने की वजह से बाइक पीछे से फंस जाती है। ओ
भाई रोड आ गई, अरे वाह जीत गए। हाँ जी सर, हाँ पार हो गया भाई, खुश हो रहे तुम, पार हो गए ना। अरे वाह ये रोड देख के तो दिल खुश हो गया भाई अब। सो भाइयों आने वाले टाइम पे ना संस्कार की रोड कुछ ऐसी हो जाएगी और फिर मजा नहीं आएगा संस्कार में भी बाइक चलाने का। जो एडवेंचर का मजा हम अभी ले पा रहे हैं ना तो फिर तब नहीं ले पाएंगे। सो भाई सारी सेटिंग बिगड़ चुकी है, शाम का अंधेरा हो चुका है खतरनाक वाला और अभी दिगांता भाई काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो अभी सामान सारा उतार देते हैं और फिर दिगांता भाई को मैंने लेने चले जाऊँगा। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर आ गई है, वहाँ कैंपिंग कर लेंगे। उन्होंने मुझसे खुद बोला 2 किलोमीटर आगे गाँव है। हाँ पूछना नहीं है यहाँ पे कुछ भी, वही सीन है। चलो चलो जल्दी उतार देता हूँ सामान, जैकेट निकाल लेंगे, उसके लिए जैकेट भी तो निकालनी है। मैंने इतना बड़ा चूहा देखा अभी मेरे रास्ते में खड़ा था। अरे रात को चूहा नहीं, बड़ा साइज का भालू भी दिखेगा हम चारों के बराबर। अरे भालू, हाँ, काली चीज भालू दिखती है रात को तो। तो चुकी है घंघोर अंधेरा हो चुका है और भाई मैंने सारा सामान बाइक से उतार दिया इस वक्त और पास में ही नेटवर्क मिल गया था पीछे की तरफ और अभी मैं फटाफट जा रहा हूँ वापस दिगांता भाई को लेने के लिए। जैकेट भी ले लिए ठंडी उनके लिए, थोड़ा पीछे रह गया वो। तो भाई दिखांता भाई मिल चुके हैं, क्या हाल है भाई? बहुत बुरा हाल है भाई। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। तो पहले तो जैकेट पहनो, ये लो तुम्हारे लिए जैकेट ले आया, माइनस की जैकेट आपके लिए दुआ है। हाँ सो दिगांता भाई की साइकिल कुछ इस तरीके से रख दी अभी हमने और बैठ गए आराम से। दिगांता भाई कंफर्टेबल हो? बहुत बढ़िया भाई, भाई का बहुत बहुत थैंक यू दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई हैं तो मदद के लिए यहाँ आपस में, चलते हैं सामान उठा के सारा। कुछ ऐसा हाल है इस वक्त। सो देवियों और देवताओं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत मेहनत की आज वाले दिन में।